जय मा सरला, जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, अस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मुझ राष्ट्र फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, आज अध्याय आपण मानक जनईबी कि गुरुत्वपूर्ण जानवा कथा। आज कौन स्पेशल टॉपिक आम डिस्कसन करानी। आम दैनदिन जीवन में एमती केतेक कथा अच्छी जहाँ को आम जाना निहाती दरकार, जो कथा आम दैनदिन जीवन में काम आसला भाई कथा अच्छी। आज वीडियो बहुत नॉलेजेबल अच्छी, आपको निवेदन शेष पर्यंत देखु। जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को क्लिक करूँ। वीडियो को लाइक करेंगे, आपण मन में टॉपिक को नहीं जदि किसी क्वेश्चन बा डाउट थाए मत कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखे। दर्शक बंधु, पूर्व अध्याय गोटे सुंदर टॉपिक अपलोड करी जहाँ थी कि तंबा पात्र क्यों द्रव्य रखा अनुचित, क्यों क्यों द्रव्य गोमांस सहित सामान। जदि आप टॉपिक को देखी ना, ऊपर आई लिंक अच्छी, आप क्लिक कर देखिपर। दर्शक बंधु, आउ डेरी करें, आसतु आरंभ करवा आज अध्याय को। दर्शक बंधु, एमती केतेक कथा अच्छी जहाँ आम दैनदिन जीवन में काम आसी था, एवं आम से सबू कथा जाणी निहाती जरूरी। तेणु से सब कथा को आम जाणिना, जहाद्वारा कि आम बहुत भूल भूल कर चलु। आम द्वारा एमती भूल हो जाए, से भूल अपराध सहित सामान हो जाए। तेणु आज जो मूल्यवान टीप्स आपण मानक देवी दैनदिन जीवन में निहाती काम आसव। आपण मैंने समस्ते जो टीप्स आज मुझे सहित सेयार करी, ताकू दैनदिन जीवन में निश्चित काम लगे बोली मोर आशा एवं विश्वास। प्रथम कथा आम आलोचना करवा, हाथ गोड़ न धो क्यों क्यों द्रव्य को छुईवा मना अटे। अर्थात हाथ गोड़ न धो क्यों क्यों जिनस द्रव्य को स्पर्श करने अनुचित। शास्त्र कहती, न स्पृशे प्राणीनो छिष्टो विप्र ब्राह्मण अनलान न चासन पदावापी न देव प्रतिमा स्पृशे। शास्त्र कहले कि गोड़ हाथ न धोई आमे गोमाता बा गाई ब्राह्मण अग्नि आसन देव प्रतिमा आदि को स्पर्श करने अनुचित। दुई नंबर टिप्स, स्वामी स्त्रीकर ना धरी डाकिबा उचित ना अनुचित। आपण मान घरे प्रायत एमती हो, आपण पड़सा घर हो बंधु बांधव घर एमती हो, स्वामी माने श्रद्धा भल पाइबारे स्त्रीकर नाम धरिकी उच्चारण करती डाकती, यह ठीक ना भूल। शास्त्र कहती, आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्यच श्रेयस्कोम नगृहिणा ज्येष्ठ प्रत्यक कलत्रय। शास्त्र कहले कि गृहकर्ता निजर श्रेय चाहूले, निजर अभिवृद्धि चाहूले, केवेले निजर गुरु अति कृपण व्यक्ति ज्येष्ठ संतान एवं निजर धर्मपत्नी ना धरे डाकिबा उचित नुहे। शास्त्र कहले कि संपूर्णता लाभ करने केवेले निज गुरु ना को धरवे, अति कृपण व्यक्ति जीते ना तुंडे ने आपणकर जी ज्येष्ठ संतान से पु हूँ बा झी हूँ नाम धरिके डाकबे, एवं निजर पत्नी नाम को धरी केबे भी डाकिबा उचित नुहे। यह द्वारा श्री वृद्धि होगा परिवर्ते लक्ष्मी आम को परित्याग कर। तीन नंबर पॉइंट को जीवा, संध्या समय क्यों क्यों कार्य करने अनुचित। शास्त्र कहती, चत्वारी खड़कर्माणी संध्या काले विवर्जयत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। चारिटा जिनस को शास्त्र बारण कले, कौन कौन? संध्या समय रे भोजन करिबा, संध्या समय रे मैथुन करिबा, संध्या समय रे निद्रा जीवा एवं संध्या समय रे स्वाध्याय करिबा अनुचित। आपण मानक मन रे प्रश्न आसीब, क्यों समय को आम संध्या समय कहिबा? शास्त्र कहती, सूर्यास्तर 24 मिनिट पूर्व एवं सूर्यास्तर 36 मिनिट पर समय को संध्या समय कह जाए। तेणु ये जो टाइम मुझको कहली, सूर्यास्तर 24 मिनिट पूर्व सूर्यास्तर 36 मिनिट पर जो घंटे टाइम रहिला, ए घंटे टाइम हूँ संध्या समय। तेणु ये संध्या समय रे चारोटी कर्म को बारण कर, कौन कौन? भोजन करिबा, मैथुन करिबा, निद्रा जीवा, स्वाध्याय करिबा। तेणु संध्या समय रे ए चारोटी कार्य केबे भी करिबा उचित नुहे। जदि आम करूचे ताहले तार परिणाम कौन हम? शास्त्र कहती, आहारा जायते व्याधि क्रूर गर्भश्च मैथुने निद्रा श्रेयो निवर्तन्ते स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। शास्त्र कहले कि संध्या समय रे भोजन करने द्वारा
शरीर में व्याधि सृष्टि होता है। संध्या समय रे मैथुन कले क्रूर संतान जन्म होता है। संध्या समय रे निद्रा गले लक्ष्मी छाड़ी जाती। संध्या समय रे स्वाध्याय कले आयुष क्षय होता है। खाली एतिक नुहे आहुरी मध्य शास्त्र कहती संध्या समय रे यात्रा करिबा कौनसी कथा को नहीं चिंता करिबा दर्पण देखिबा मुंड कुंडेबा कौनसी वस्तु देवानवा करिबा मध्य उचित नुहे। या द्वारा माता लक्ष्मी आम को परित्याग करितांती। टिप्स को जीवा क्यों क्यों कर्म मौन रहिबा बा चुप रहिबा उचित। शास्त्र कहती पुरुषे मैथुने होमे प्रसावे दंतधावने स्नाने भोजन जपेशु सदा मौनम समाचरेत। शास्त्र कहिले कि केतबेळे आमे चुप रहिबा बा मौन रहिबा उचित मलमूत्र त्याग करिबा समय रे रास्तारे जीवा समय रे मैथुन करिबा समय रे दांत घसिबा समय रे स्नान करिबा समय रे भोजन समय रे जप एवं होम करिबा समय रे मौन रहिबा बा चुप रहिबा उचित अटे श्रेयस्कर अटे। स्कंद पुराण मध्य कहती गुरुनाम सानिधु दाने जागे चैव विशेषतः एतेषु मौनमातिष्ठेन स्वर्गम प्राप्नोति मानव। स्कंद पुराण कहले संध्या जप भोजन दंतधावन पितृकार्य देवकार्य मलमूत्र त्याग करिबा समय रे गुरुंक पाखरे दान एवं यज्ञ कार्य रे सबुबेले मौन व्रत बा चुप रहिबा उचित अटे श्रेयस्कर अटे। तापर पॉइंट को जीवा देव पूजा रे क्यों द्रव्य रे बासी दोष रुहे नाही बा आपण जतबेले ठाकुरंकर पूजा करूचे क्यों क्यों जिनिस रे क्यों क्यों पूजा द्रव्य रे बासी दोष लागे नाही। शास्त्र कहंती वर्ज्यम पर्जुषितम पुष्पम वर्ज्यम पर्जुषित जलम न पर्ज्यम तुलसी पत्रम च न पर्ज्यम जाह्नवी जलम न पर्जुषित दोषास्ति तीर्थ तोयस्य च एवहि न पर्जुषित दोषास्ति माळाकार गृहेषु च। शास्त्र कहिले साधारण जल पत्र पुष्प ए सबु जदि बासी हुए ताहाले देवतांक कार्यरे बा पूजा कार्यरे लगेबा उचित नुहे। किंतु तुलसी पत्र गंगा जल तीर्थमानंकर जल माळी घरे थिबा फूल कदापि बासी हुए नाही बा बासी दोष सेथिरे लागे नाही। आहुरी मध्य शास्त्र कहंती तस्य माळा भगवत परम प्रीतिकारिणी शुष्का पर्जुषिता बापी न दुष्टा भवती क्वचित। सुंदर कथाटे शास्त्र कहिले भगवान श्री विष्णुंकर अति प्रिय तुलसी पत्र ता सहित दयणा पत्र मध्य एणु दयणा पत्र जदि सुखी जाए तथापि प्रभु श्री हरिंक पूजारे लागिपारिब। नेक्स्ट पॉइंट को जीवा जो मानकर पिता जीवित अछंती बा बंचिछंती सेमानकर पुत्र कौन करिबा अनुचित। शास्त्र कहंती दर्श श्राद्धम गया श्राद्धम स्थिर तर्पणमेव च न जीवेत पितृको भूप कुर्जेत मवाप्नुयात। अर्थात शास्त्र कहिले कि बंचिथिबा पितांकर पुत्र केबे हेले अमावास्यार श्राद्ध गया श्राद्ध तिलरे तर्पण करिबा उचित नुहे। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा उपरे आलोचना करिबा केउ केउ कर्म करिबा समय रे टेकी हुई बसिबा बा गोइठ उपरे बसिबा उचित नुहे। शास्त्र कहंती स्नानम दानम जपम होमम भोजनम देवता अर्चनम प्रौढ़ पाद नकुर्वित स्वाध्यायम पितृतर्पण। शास्त्र कहिले गाधीबा समय रे दान करिबा समय रे जप करिबा समय रे होम करिबा समय रे भोजन करिबा समय रे देव पूजा करिबा समय रे स्वाध्याय बा अध्ययन करिबा समय रे एवं पितृतर्पण करिबा समय रे केबे हेले टेकी होई बसी बा गोइठ उपरे बसी बा प्रौढ़ पाद रे बसी करिबा अनुचित। नेक्स्ट पॉइंट को जीवा केउं केउं स्थान रे चप्पल बा जूता व्यवहार करिबा उचित नुहे। शास्त्र कहंती अग्न्यागारे गवांगोष्ठे देव ब्राह्मण सन्निधौ आहारे जपकाले च पादुकानम विसर्जनम। शास्त्र कहिले गोशाला रे ठाकुर एवं ब्राह्मणक सम्मुखरे खाइबा समय रे जप करिबा समय रे अध्ययन बा पाठ पढ़िबा समय रे पानी पीबा समय रे पादरे जूता बा चप्पल व्यवहार करिबा उचित नुहे। तापर पॉइंट को जीवा रूपपात्र भगवानंक पूजा रे लागिबा उचित ना अनुचित। शास्त्र कहंती शिवनेत्रोद्भवम जस्मात् तस्मात् पितृवल्लभम
अमंगलम तद्जत्नेन देव कार्येषु वर्जयेत्। शास्त्र कहिले रूपा धातु पितृमानंकर प्रिय अटे, सेथिपाई देव कार्यरे बा देवतांको पूजा कार्यरे रूपा पात्र अशुभ अटे। एथिपाई देव कार्यरे बा देवतामानंकर पूजा कार्यरे रूपा पात्र व्यवहार करिबा अनुचित। नेक्स्ट पॉइंट को जीवा, क्यों क्यों कार्य करिबा समय रे आमे चांडाल हेथौ। शास्त्र कहिले तैलाभ्यंगे चिता धूमे मैथुने खौरकर्मणि तावत भवति चांडाळो जापत स्नानम न आचरेत। शास्त्र कहिले आमे आम शरीर रे तेल लगाइथिबा अवस्था रे चिता धुआं शरीर रे लागिथिबा अवस्था रे स्त्री संगम करिबा समय रे चुट्टी दाढ़ी काटिथिबा अवस्था रे आमे चांडाळ सदृश होइथाउ। जेपर्यंत आमे स्नान न करिचे से पर्यंत चांडाळ दोष आम पाखरु जाइ नथाय। तेणु एसबु कार्य करिसारिबा परे आमको स्नान करिबा निहाति जरूरी। आपणको कहिले मु देहरे तेल लगाइथिबा समय रे चिता धुआं शरीर रे लागिबा बेले स्त्री संगम करिबा परे चुट्टी दाढ़ी काटिसारिबा परे जदि आमे कौनसी व्यक्ति को स्पर्श करुचे बा छुंचे ताहले से व्यक्ति मध्य चंडाळ दोष रे दोषी हुंती। तेणु एसबु कर्म करिसारिबा परे तुरंत आमको स्नान करिबा दरकार। तापर जाय आमे स्नान करि सारिबा परे आमे शुद्ध हो पारिबा। दर्शक बंधु ये किछि टिप्स थिला आम दैनंदिन जीवन रे निहाति पक्ष आम कामरे आसिला भळी। दर्शक बंधु आज पे एतिकी, पुणी आसिबी आगामी अध्याय रे बहुत सुंदर टॉपिक नेकि जो टॉपिक रही 2024 आपण मानंक पई आपण मानंक राशि पई केमिति रहिबो। 2024 मेष राशि रु मीन राशि पर्यंत व्यक्ति विशेष मानंक पई समय केमिति रहिबो, केउ राशि को मिलिबो मान सम्मान, केउ राशि को मिलिबो अपमान, केउ राशि पई रहिबो लाभ तो केउ राशि पई रहिबो क्षति, केउ राशि संतान प्राप्ति करिवे तो केउं राशि को संतान पीड़ा भोग हम, तमाम कथा आम आलोचना करवा। से पर्यंत आप भले था खुशी था जगत जननी झंकड़वासिनी आपंक घंटा गोड़े रखू। ये मोर कामना रही। जय मा सरला, जय गुरुदेव।